आज हम बात करेंगे ब्रेकअप्स की। चाहे रिलेशनशिप्स या जो आपका डेटिंग पीरियड था, कुछ महीनों का हो, कुछ दिन का हो या कुछ सालों का हो, ब्रेकअप्स हमेशा परेशान करने वाले, डिस्टर्ब करने वाले और पेनफुल होते ही हैं। चाहे आपने किसी कारण से एक कॉन्शियस डिसीजन लिया हो ब्रेकअप करने का, या किसी मजबूरी से आपकी रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं करी हो, लेकिन एक ब्रेकअप से उभरना अक्सर पेनफुल होता है, अक्सर दोनों पार्टनर्स के लिए पेनफुल होता है। और हम काफ़ी समय इसमें बिता देते हैं उससे निकलने में, जब हम दुखी रहते हैं या और एक्टिविटीज़ में ध्यान नहीं दे पाते हैं। लेकिन अगर हम अपने ब्रेकअप से या वो रिलेशनशिप के एंड से मूव ऑन करना चाहते हैं तो हम कुछ चीज़ें ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले है कि अगर आपका अभी रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है तो जो भी जिनके भी साथ आप रिलेशनशिप में थे उनसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, थोड़ी दूरी मेंटेन करके रखें। हो सकता है कि आपका ब्रेकअप म्यूचुअल हो और आप अभी भी अच्छे फ्रेंड्स हो, लेकिन अगर आप मूव ऑन करना चाहते हैं तो कुछ समय के लिए ये ज़रूरी है कि आप उनसे बातचीत ना करें या मिले नहीं। क्योंकि जब आप ये करेंगे, चाहे उस वक्त तो आपको अच्छा महसूस होगा, लेकिन फिर आपको वो रिलेशनशिप की याद आएगी और आप फिर से शायद से उस रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहें, जो कि फॉर द टाइम बीइंग शायद से बेस्ट डिसीजन नहीं होगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि इमीडिएटली ब्रेकअप के बाद एटलीस्ट थोड़ा सा डिस्टेंस, थोड़ी सी दूरी बना के रखें अपने एक्स पार्टनर से। सेकेंड है कि अब जो आपके पास फ्री टाइम है, जो पहले टाइम आपका अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करने में जाता था, मिलने में, बातचीत करने में जाता था, उस टाइम को री इन्वेस्ट करें दूसरी चीज़ों में। जो भी आप पहले नहीं कर पा रहे थे, जैसे अपने खुद के ऊपर टाइम स्पेंड करना, अपने पसंद की एक्टिविटीज़ करना, रीडिंग, राइटिंग या दोस्तों से मिलना, आप वो टाइम उसमें री इन्वेस्ट करें। अगर ये टाइम आपके पास काफ़ी फ्री रहेगा तो आपको फिर से अपने रिलेशनशिप की याद आएगी, इसलिए ज़रूरी है कि आप उस टाइम को यूटिलाइज करें और री इन्वेस्ट करें। यूजुअली जब भी हम रिलेशनशिप्स में इन्वॉल्व होते हैं तो हमारा काफ़ी फोकस, काफ़ी ध्यान पार्टनर पर और रिलेशनशिप की तरफ होता है। तो अब ज़रूरी है कि आप ये फोकस अपने ऊपर लाएं, वो सारे काम करें जो आपको पसंद है। लेकिन एक और बात जो कि बहुत ज़रूरी है वो ये है कि आप ब्रेकअप को या रिलेशनशिप को डाइसेक्ट ना करें। ये ना सोचें कि क्या आप में कुछ कमी थी या कुछ आपने गलती करी जिसकी वजह से ब्रेकअप हुआ। अगर आप अपने बिहेवियर को या अपनी क्वालिटीज़ को ऐसे नेगेटिवली एनालाइज करेंगे तो आपको और परेशानी महसूस होगी और काफ़ी उदास या डिप्रेसिंग लग सकता है या बेचैनी भी लग सकती है। अगर आप ये सोचने लगे कि आप किसी तरह उस ब्रेकअप को रोक सकते थे या रिलेशनशिप को वर्कआउट कर सकते थे, लेकिन किसी गलती या किसी कमी के कारण से वो रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं करा, तो इसलिए ज़रूरी है कि अपनी तरफ इतनी क्रिटिकल ना हो, खुद को इतना क्रिटिसाइज ना करें या कमियों पर उतना ज़्यादा फोकस ना करें। अपनी फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान रखें। कभी कभी जब हमें उदास लगता है या बेचैनी लगती है तो हमें भूख नहीं लगती या नींद नहीं आती, लेकिन फिर भी ज़रूरी है कि हम टाइम पर खाना खाएँ, पूरा खाना खाएँ, ठीक से नींद लें, हो सके तो एक्सरसाइज करें। क्योंकि अगर हमारी फिजिकल हेल्थ कमज़ोर होने लगी तो फिर हमें और भी मेंटली स्ट्रेस महसूस होगा और रिलेशनशिप से आगे बढ़ने में प्रॉब्लम होगी। ये बात ऑब्वियस है कि आप कुछ दिनों तक परेशान रहेंगे या बेचैन रहेंगे, उदास रहेंगे, लेकिन ये आपको अकेले में डील करना ज़रूरी नहीं है। इसलिए जो भी आपको बात सता रही है या परेशान है उसके बारे में अपने फ्रेंड्स या फैमिली किसी से बात करें। बात करने से ना ही आपको एक वेंट आउट मिलेगा, लेकिन आपका स्ट्रेस भी काफ़ी रिलीफ होगा। इसलिए ज़रूरी है कि ये सारी फीलिंग्स, चाहे आप, हो सकता है आपके लिए एम्बैरसिंग हो बताना कि आपका ब्रेकअप हुआ है या आपको और परेशानी लगे, लेकिन बातचीत करने से लॉन्ग टर्म में आपके लिए मूव ऑन करना ज़्यादा आसान होगा। ये ध्यान रखिए कि जो अभी आपको परेशानी महसूस हो रही है या पेन महसूस हो रहा है या सैडनेस लग रही है, दुख लग रहा है, वो धीरे धीरे करके कम। मैजिकली कोई भी तरीका नहीं है जो इसको कम कर सके या गायब कर सके, इसलिए अपने आप को वो टाइम दे, अपने आप को वो स्पेस दे ब्रेकअप से मूव ऑन करने का। अक्सर किसी को ये लग सकता है कि जो ये पार्टनर था यही आपके लिए सब कुछ था और आपको कोई दूसरा इतना अच्छा पार्टनर नहीं मिलेगा, लेकिन ये इसलिए लगेगा क्योंकि आपने रिलेशनशिप में अच्छा टाइम स्पेंड करा है और काफ़ी टाइम एंड एनर्जी एंड थॉट इन्वेस्ट करा था। तो अब वो जब रिलेशनशिप एंड हो गई है तो आपको काफ़ी लॉस एक महसूस होगा, लेकिन मूव ऑन करना पॉसिबल है अगर आप कोशिश करें तो। इसलिए ध्यान रखिए कि कोई भी एक रिलेशनशिप या कोई भी एक व्यक्ति इतना इम्पोर्टेंट नहीं है या इतना सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं कि आप दिन भर परेशान रहें या मूव ऑन नहीं कर पाए। समय के साथ साथ आपको बेहतर महसूस होगा, इस बात का भरोसा रखें एंड टेक इट वन डे एट अ टाइम।
रोज की तरह से कोशिश करें अपने आप को खुश रखने की, अपने आप को रिलैक्स करने की, और आप धीरे धीरे देखेंगे कि जो भी आपको परेशानी महसूस हो रही थी या बेचैनी महसूस हो रही थी वो धीरे धीरे कम होगी। आई होप आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे और आपको अपने ब्रेकअप से मूव ऑन करने में मदद मिलेगी।